और आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लफ्ज जिहाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी लफ्ज जिहाद को प्रोत्साहित करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उन धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई हो जो ऐसे विवाह कराते हैं। सारंग ने सुशासन दिवस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों को कमलनाथ सरकार के कुशासन की याद दिलाई। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीन के इंतजाम के लिए तैयार है, तो कोरोना के नए स्वरूप को लेकर भी उन्होंने पूरी तैयारी का दावा किया। लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कठोर कानून ला रही है और मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरा यह मानना है कि लव जिहाद में जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि लव जिहाद केवल एक लड़का या व्यक्ति ही नहीं करता जो किसी लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लेता है, बल्कि देखने में आया है कि इसका एक पूरा रैकेट है वो काम करता है। उस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सुव्यवस्थित, सुसंगठित और पारदर्शी शासन प्रशासन की हिमायती रही है और उसी का परिणाम निकला कि उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें जो नहीं कर पाई अटल जी की सरकार ने किया, और उसी परंपरा को इस देश में हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वहन किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सुशासन स्थापित किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में ये देश बहुत तेजी से कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रहा है और केंद्र की सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार भी वैक्सीन आते ही उसको लगाने की पूरी व्यवस्था में अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर चुकी है। हमें जो निर्देश मिला था कोल्ड चेन डेवलप करने का, वो हमने डेवलप कर दी है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वैक्सीन बनाना एक बड़ा काम है, उतना ही बड़ा काम वैक्सीन को लगाना भी है। तो सरकार नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि सरकार का दायित्व यही होता है कि समय से पहले अपनी तैयारी पूरी करें। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई बाहर से आया है, कोई फॉरेन कंट्री से आया है, तो उसको हम आइसोलेट करके हम इस बात की स्टडी करें कि वो किस स्थिति में है। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के हर संकट से निपटने के लिए तत्पर है और जनता को सुविधा देने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं।